कबीरधाम के दूरदराज इलाकों में बसे लोगों के लिए बाइक एम्बुलेंस वरदान साबित हो रही थी, लेकिन पिछले 15 दिन से इस बाइक एम्बुलेंस के पहिए थम गए। इस वजह से जिले के दुर्गम इलाकों में बसे लोगों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाने और इलाज मिलने में परेशानी हो रही है। बाइक एम्बुलेंस कवर्धा के दूर दराज के इलाकों के लिए एम्बुलेंस वरदान है। सड़क नहीं होने की वजह से जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, वहां ये बाइक एम्बुलेंस आसानी से पहुंच जाती है। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए वक्त पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा देती है। दूर दराज के इलाकों में बसे लोगों को भी वक्त पर इलाज मिले, इसी सोच के साथ कवर्धा के वनांचल इलाकों में इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन बीते दो हफ्तों से लोगों को इसकी सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंद कर रही है सरकार, गर्भवती महिला ला समय में यहाँ गाड़ी नहीं मिले, ऐसे में बंद करी ले, बड़े गाड़ी लगा छन तो समय में आए नहीं। पहले बाइक एम्बुलेंस चल रहा था तो गर्भवती महिलाओं अस्पताल आने ले जाने में सीधा हो रहा था, लेकिन अभी बाइक एम्बुलेंस चल रहा बंद है तो आने जाने में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कवर्धा जिले के 5 बड़े वनांचल इलाके दलदली, बोकरखार, झलमला, कुकुदर और छिपरनी में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी। लोग इसका लाभ भी उठा रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल से इसकी सेवाएं बंद होने के बाद अब लोगों को अपने साधन से ही मरीजों गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है। बाइक एम्बुलेंस के पहिए थमने के पीछे अधिकारी पर्याप्त फंड नहीं होने को वजह बता रहे हैं, हालांकि साथ ही ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि जल्द ही बाइक एम्बुलेंस दोबारा दौड़ने लगेगी। देखिए, एम्बुलेंस तो हमारे यहाँ 108 वैसे भी चलती है, कहीं कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है। बाइक एम्बुलेंस के बारे में मुझे सीएम ने बताया था तो उसमें कुछ काम बचा हुआ है तो शीघ्र उसको चालू कर दिया जाएगा और बजट की भी डिमांड की गई है तो हमारे पास जो बजट अवेलेबल रहेगा उससे वो स्टार्ट करवा देंगे और शीघ्र चालू हो जाएगी। अधिकारी तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने से पिछले 15 दिन से कवर्धा के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये बाइक एम्बुलेंस सेवा कितने दिनों में फिर से बहाल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी इंडिया।